हेलो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के करंट अफेयर्स में आप सभी का यहां पर स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के करंट अफेयर्स को लेकर हम यहां पर यह सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। वीकेंड में आपको यहां पर वीडियो मिलेगी। प्रत्येक शनिवार को हम उत्तर प्रदेश के समसामयिक घटनाक्रम को स्टडी करने वाले हैं और देखिए यहाँ पे आपको प्रत्येक शनिवार को इसे रेगुलर रूप से देखना भी है क्योंकि यहाँ पे जरूरी पहलू ये है कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में इस बार देखा जाए, यूपी पीसीएस के एग्जाम में देखा जाए, जो पैटर्न चेंज हुआ है यूपी पीसीएस का, यहाँ पर आपको वेटेज बढ़ने वाला है। वेटेज यहाँ पे पीटी में भी बढ़ने वाला है। चांसेस काफी ज्यादा है कि आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा पूछे जाए, इसलिए रेडी रहना है, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से यहाँ पर लेकर चलना है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को हम इसी तरीके से लेकर चलेंगे इन डिटेल वे में। सभी को जो भी न्यूज यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में रही है, 2022 से लेकर के अभी तक की मार्च 2023 तक, हम सभी को कंटेंट को यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए मार्च तक की यहाँ पर आपको क्वेश्चन आने वाले भी हैं क्योंकि मई में आपको देखा जाए तो एग्जाम है स्टार्टिंग 14 मई तक ही, और अप्रैल तक का जो भी कंटेंट है वो यहाँ पर बहुत ही मायने रखता नहीं है, इसलिए मार्च तक का यहाँ पर करंट हम करने वाले हैं और इतना आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर अर्थात हर वीकेंड में से देखना है, ठीक है। बाकी अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के बारे में। देखिए पहला यहाँ पे टॉपिक है उत्तर प्रदेश के बेसहारा गोवंश के लिए सफारी निर्माण की यहाँ पर सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देखिये यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो पशुधन विभाग है उन्होंने यहाँ पे कहा है कि बेसहारा गोवंश को सहारा देने के लिए प्रदेश भर में यहाँ पर चलाई जा रही है गो सफारी बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है, ठीक है। गो सफारी यहाँ पर जो है वो गायों के संदर्भ में यहाँ पर बनाया जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये गौशाला आप देखा जाए या गौ सफारी की जो बात यहाँ पे की जा रही है, ये गोवंश के संरक्षण हेतु गौशाला के निर्माण के लिए यहाँ पर गौशाला योजना भी देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, और इसके तहत जो भी गौशाला यहाँ पर खोलता है उसको प्रति गाय यहाँ पे 30 रुपए का अनुदान यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा गो सफारी किस सरकार की योजना है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, और गौशाला जो योजना है ये भी गोवंश संरक्षण के दृष्टिकोण से गौशाला निर्माण के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा देखिए एक और अभियान यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है, स्कूल चलो अभियान। क्या है ये स्कूल चलो अभियान? तो 4 अप्रैल 2022 को देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले, जो ये भी देखिए कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे कम साक्षरता दर वाला यहाँ पे जिला कौन सा है? श्रावस्ती है। तो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सबसे कम देखा जाए तो साक्षरता दर वाला जिला यहाँ पे श्रावस्ती है, जिसे महीने भर चलने वाले स्कूल चलो अभियान के यहाँ पर शुरुआत की गई। देखा जाए तो इस अभियान से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना है इस योजना के तहत। दूसरा, इस अभियान का के तहत कम साक्षरता दर वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर, यहाँ पर इन सारे जिलों का नाम ध्यान रखिएगा, ये सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले यूपी के हैं। कौन के हैं? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, ज्यादातर बावन नाम वाले हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विधायकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से एक एक स्कूल अपनाने और अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालयों, स्मार्ट कक्षाओं, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, शौचालय आदि जैसी सुविधाओं के संदर्भ में स्कूलों के परिवर्तन की दिशा में काम करने का निर्देश दिया है। एक तरीके से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अधिकारियों को एक एक कह सकते हैं कि स्कूलों को एक गोद लेना, या फिर इस तरीके से आप कह सकते हैं, और उसे यहाँ पर बेहतर बनाने का प्रयास करने के संदर्भ से काम करना है। 2017 में ऑपरेशन कायाकल्प के शुभारंभ के बाद से 1.34 लाख प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा, फर्नीचर, शौचालयों के निर्माण, स्मार्ट क्लास को शामिल करने, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता में सुधार के प्रावधान के साथ उत्तर प्रदेश में स्कूलों को नया यहाँ पर रूप दिया गया। तो यहाँ पर देखिये, एक तो हमने यहाँ पर अभी पढ़ा कि एक अभियान इन्होंने चला दिया स्कूल चलो अभियान, दूसरा एक और नीचे यहाँ पे दे दिया गया कि ऑपरेशन कायाकल्प, ये दोनों एक ही टॉपिक से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो इनको यहाँ पर इसलिए दोनों टॉपिक को ऐड किया गया है, इसको ध्यान से रिवीजन करिएगा एक बार। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 60 नदियों के पुनरुद्धार का खाका तैयार किया गया, ठीक है। क्या है इसके संदर्भ में क्या क्या यहाँ पे फैक्ट है मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए 5 अप्रैल 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई शासन स्तरीय बैठक में प्रदेश की 60 नदियों के पुनरुद्धार का यहाँ पे खाका तैयार किया गया है।
नदी के पुनरुद्धार के इस कायाकल्प में आईआईटी बीएचयू कानपुर रुड़की का यहाँ पे तकनीकी सहयोग यहाँ पे लिया जाएगा। नदियों के पुनरुद्धार और संरक्षण संबंधी इस पहल में वरुणा, गोमती, बाणगंगा, नंद, कर्मनाशा सहित तथा गड़ई जैसी 60 नदियों को इसमें शामिल किया गया है। देखा जाए तो केंद्र सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण निवारण, नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम को यहां पे प्रारंभ किया था और एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन को इसके तहत लागू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत देखा जाए तो 152 करोड़ रुपए जो है वो सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के संदर्भ में यहाँ पर आपको दी गई थी, जो कि पूर्ण हो चुकी हैं, और 46 परियोजनाओं के संदर्भ में 632 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम के तहत 28 रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, 182 घाटों का नवीनीकरण किया गया और आधुनिकीकरण तथा 118 शमशान का भी यहाँ पे निर्माण किया गया। साथ ही साथ देखें थे जिससे गंगा नदी के पर्यावरणीय स्वास्थ्य में उल्लेखनीय यहाँ पे सुधार हुआ है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यहाँ पे गंगा नदी के पानी को स्वच्छ करने संबंधी यहाँ पे काफी सारी प्रक्रियागत चीजें की गई हैं। और आप यहाँ पे देखें गंगा नदी के तर्ज पर ऐसा ही 60 नदियों के पुनरुद्धार के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार भी काम करने जा रही है। अब इसी संदर्भ से देखा जाए तो मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, क्योंकि नदियों को लेकर के यूपी में थोड़ा सा लगातार काम भी किया जा रहा है। तो आपके लिए दो प्रश्न मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जिसका कमेंट में आप अपने आंसर कर सकते हैं कि निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 60 नदियों की बात वहां पे की गई है, तो चलिए नदियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ऑप्शन में है केन, बेतवा, चंबल और गंडक। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, दो यहाँ पे सूचियां दी गई है, इसमें सुमेलित करना और सही कूट का यहाँ पे आपको सुमेलित करके आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित क्या ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चित्रकूट, यमुना, जौनपुर, गोमती, मथुरा, सरयू, अयोध्या और मंदाकिनी जैसी नदियां हैं। तो यहाँ पे बताइए कौन सा यहाँ पर आपको सही सुमेलित या सही सुमेलित होने के बाद क्या ऑप्शन सही होंगे। चलिए अगला यहाँ पर आता है अयोध्या एयरपोर्ट के बारे में, क्योंकि एयरपोर्ट्स को लेकर के देखा जाए तो आपको एक क्वेश्चन मैं इसमें और भी पूछूंगा कि आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इसका आंसर आप दीजिएगा और उनके नाम भी बताइएगा कितने कौन कौन से हैं। चलिए हाल ही में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश सरकार के द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य भूमि लीज पर एग्रीमेंट पर यहाँ पे हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। और देखा जाए तो इसके संदर्भ में अयोध्या एयरपोर्ट प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, जेवर के बाद यहाँ पे 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। देखिए यहाँ पे नाम भी दे दिया गया और बाकी सारी चीजें भी। अयोध्या एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम जो है वर्ष 2021 में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा गया। देखिए इस एयरपोर्ट का नाम अयोध्या एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि नाम क्या है आपको श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 9 एयरपोर्ट जो है संचालित है, जबकि 10 नए एयरपोर्टों के विकास पर काम चल रहा है। एयरपोर्ट देखा जाए तो एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में वायु संपर्क का देश का ये सबसे बड़ा नेटवर्क यहाँ पर हो जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को वायु परिवहन जो है या कह सकते हैं वायु संपर्क जो है वो बेहतर बनाने के संदर्भ से लगातार नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों और क्षेत्रीय एयरपोर्टों को यहाँ पर विकसित किया गया है। तो यहाँ पर ये बताइए कि अयोध्या एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर आपको ठीक है एयरपोर्ट के संदर्भ में यहाँ पे हमने देखा कि लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, जेवर और अयोध्या यहाँ पे 5 आपके टोटल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे। तो आइए बताइए कि आपको उत्तर प्रदेश में आपको देखा जाए तो राज्य स्तरीय जो भी एयरपोर्ट है या राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो यहाँ पर कितने हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्य या राष्ट्रीय यहाँ पर एयरपोर्ट यूपी में कितने हैं, आप इसका आंसर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर अगला है उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के बारे में। ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के संदर्भ में क्या किस कारण से यहाँ पे ये चर्चा का विषय है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन को यहाँ पे स्थापित करने का निर्णय लिया है। देखा जाए तो UPSSF का गठन सितंबर 2020 में प्रदेश के कोर्ट, प्रमुख धार्मिक स्थलों, प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के संदर्भ के लिए किया गया था। परिणाम स्वरूप देखा जाए तो जून 2021 में UPSSF की 5 बटालियन गठित की गई, जिनमें लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, सहारनपुर की बटालियन शामिल थी। UPSSF की ये प्रथम बटालियन लखनऊ में मेट्रो की सुरक्षा में तैनात की गई है। ठीक है, इसके साथ साथ सरकार के द्वारा इन सभी बटालियन की स्थापना के लिए PSC कमांडेंट को UPSSF के कमांडेंट का यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार आपको सौंपा गया है। एक और फैक्ट यहाँ पर देखिए,
अयोध्या में जो छठी वाहिनी को यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली 2021 के तहत यहाँ पर इसको गठन किया गया है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं ध्यान रखिएगा, कौन सी बटालियन कितनी जगह पर किन किन क्षेत्रों में लागू है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे है गीतांजलि की कृति रेत समाधि, थोड़ा चर्चा का विषय रही कुछ टाइम तक। तो यहाँ पर ऐसे कई बार पुस्तक या उनके द्वारा किस कृतियां ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसा एक हाईलाइटेड थोड़ा सा मुद्दा था उसके बारे में बता दूं। उत्तर प्रदेश की गीतांजलि श्री के एक उपन्यास जिसका नाम था रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड को बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया था। तो यहां पर देखिए ये ध्यान रखिएगा, रेत समाधि जो है लिखी गई थी गीतांजलि श्री के द्वारा और इसका अंग्रेजी जो अनुवाद है वो कौन सा है, टॉम्ब ऑफ सैंड, यही आपका फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखा जाए टॉम्ब ऑफ सैंड हिंदी की पहली रचना जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। यहां पर इसका अंग्रेजी जो अनुवाद है वो डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था और रेत समाज देखा जाए तो गीतांजलि श्री का ये 5वां उपन्यास है। गीतांजलि श्री का जो जन्म हुआ 1957 में उत्तर प्रदेश के यहाँ पे मैनपुरी में हुआ था। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो करंट का एस्पेक्ट है इस तरीके के जो चर्चा का विषय बनते हैं इनको भी आपको रिविजन करना है। अगला देखते हैं, अगला है राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक राउंड 1 में उत्तर प्रदेश की एक स्थिति को लेकर के। देखिए नीति आयोग के द्वारा हमेशा नई नई यहाँ पे रिपोर्ट जारी की जाती हैं राष्ट्रीय के स्तर पर और इसी संदर्भ में देखा जाए तो राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक राउंड 8 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी में यहाँ पे शामिल किया गया। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो रैंक है वो 13वीं है जबकि उनका टोटल जो स्कोर है वो 41 रहा। ये सूचकांक देखा जाए 2019-20 के आंकड़ों पर आधारित रहा और इसमें देखा जाए तो यह जो सूचकांक है ये 6 मानकों पर आधारित है। कौन कौन से मानक है वो भी बता देता हूं, डिस्कॉम का प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय स्थिरता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, नई पहल तथा पहुंच, वहनी एवं विश्वसनीयता के आधार पर जलवायु और ऊर्जा के क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा किए गए प्रयासों को इसमें ट्रैक किया जाता है। तो ये इसके मानक है जिसके आधार पर ये आपको सूचकांक जारी किया जाता है। उत्तर प्रदेश की रैंक ध्यान रखिएगा 13वीं और टोटल स्कोर इनका ध्यान रखिएगा 41। अब यहां पे देखिए कि विभिन्न मानकों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का स्कोर किस प्रकार का रहा है, किसमें कितना उनको स्कोर मिला है। जैसे डिस्कॉम के प्रदर्शन में मिला है 59.9, ऊर्जा दक्षता मिला है 42, पहुंच वहनीयता विश्वसनीयता में मिला है 37.8, पर्यावरणीय स्थिरता में 30.9, स्वच्छ ऊर्जा पहल में 12.6 और नई पहल में 27.4 अंक यहां पर मिले। अगला है अग्नि सुरक्षा सप्ताह का यहां पे शुभारंभ किया गया। 14 अप्रैल 2022 को ग्रीष्मकाल के दौरान आग की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यहां पे राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। सुरक्षा सप्ताह जो इस बात पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया था कि रोकथाम इलाज से बेहतर है ताकि यहाँ पर होने वाले नुकसान, आग से होने वाले नुकसानों को यहाँ पे काफी हद तक आपको कम किया जा सके। ये अग्नि जो सप्ताह यहाँ पे अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया कब से कब तक गया, तो 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक इसे मनाया गया और इसके माध्यम से देखा जाए तो अग्निशमन विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके सरकारी आवास से फ्लैग पिन भी यहाँ पर लगाया गया था। तो ध्यान रखिएगा अग्नि सुरक्षा सप्ताह पूछा जा सकता है कब से कब तक मनाया गया था, तो 14 से 20 अप्रैल और यहाँ पे एक तरीके की थीम क्या थी, तो रोकथाम इलाज से बेहतर है। इसके संदर्भ में देखिए तो इसका उद्देश्य क्या है, ना केवल देखा जाए तो यहाँ पे राज्य को आग के खतरों से बचाना बल्कि जनता के बीच यहाँ पे सावधानी और जागरूकता पैदा करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खेत खलिहान कच्चे घरों को आग से लगने से बचाना, क्योंकि कई बार जब आग लगती है तो यहाँ पर किसी एक घर या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती है, ये बहुत तेजी से आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करती है। खेत खलिहान में लगे तो यहाँ पर कई किलोमीटर तक के खेतों को जला देती है या फिर बाजार इत्यादि में लगे तो यहाँ पर पूरे पूरे बाजार को भी जला सकती है। तो इस तरह की घटनाएं जो होती है वो काफी नुकसानदेह, जनधन की काफी हानि होती है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह का जो मूल मंत्र है वो है औद्योगिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा सीखें और उत्पादकता बढ़ाएं। इस अभियान में लोगों को डिजिटल माध्यम से आग लगने की मुख्य वजह जैसे कि बिजली का शॉर्ट सर्किट होना, बिजली की ओवरलोडिंग होना, गैस सिलेंडरों का लापरवाही से इस्तेमाल करना, धूम्रपान आदि के बारे में यहाँ पे जागरूक करने के साथ साथ आपातकालीन स्थिति में मॉक ड्रिल के द्वारा सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अग्नि सुरक्षा सप्ताह। अगला देखिए, इसमें एक अभियान है जिसको हम कहते हैं दस्तक अभियान। कई बार अभियान और योजनाएं जो होती हैं इनको ध्यान रखना क्योंकि ये आपको पूछे जाने के इनके काफी ज्यादा चांसेस होते हैं।
15 अप्रैल 2022 को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए यहाँ पे दस्तक अभियान को प्रारंभ किया था। इसमें देखा जाए तो इस अभियान के तहत लोगों को इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया सहित विभिन्न संचारी रोगों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ये यहाँ पे प्रारंभ किया गया था और ये अभियान देखा जाए तो 30 अप्रैल तक यहाँ पर चलने वाला है। इस अभियान के तहत आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जल जनित एवं मच्छर जनित बीमारियों से होने वाले रोगों को अवगत कराने की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि ये बताइए कि मच्छर जनित होने वाले कौन कौन से यहाँ पर रोग हैं और किस मच्छर से पर्टिकुलर वो रोग फैलता है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मच्छर जनित कौन कौन से रोग होते हैं और उनके होने के कौन से मच्छर किस रोग के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होता है। तो ये यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए यहां पर अगला यहां पर देखते हैं, मथुरा में प्रत्येक तीर्थस्थल पर बनेंगे पर्यटक सुविधा केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर मथुरा का क्षेत्र जो है पर्यटन के लिहाज से इसे विकसित किया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की देखा जाए पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा देने का एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। और आप उत्तर प्रदेश का मेंस में अगर आप देखें जो सिलेबस आया है उसमें भी पर्यटन और पर्यटन नीतियों को लेकर के काफी सारा यहाँ पर पेपर वन में आपको ऐड किया गया है, इसलिए पर्यटन को लेकर के यहाँ पर सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िएगा। देखिए उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के द्वारा श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर यानी कि पर्यटक सुविधा केंद्र जो है इसका बनाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। देखा जाए तो योजना के तहत सभी जो सेंटर यहाँ पर हैं वो एक एक हेक्टेयर भूमि पर बनाए जाएंगे। मथुरा में अब तक श्रीकृष्ण जन्म स्थान क्षेत्र के 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 8 तीर्थ स्थल घोषित किए जा चुके हैं। वृंदावन में पर्यटक सुविधा केंद्र पहले से उपलब्ध है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित यहाँ पे सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि 55 बसों की पार्किंग सुविधा है, 4 हॉल में 100-100 बेड की व्यवस्था है और श्रद्धालुओं के लिए खुद की रसोई की सुविधा और कैंटीन इत्यादि की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अगला यहाँ पर है लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को कैबिनेट की यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ बन रहा है तो क्या इसकी विशेषता है इसके संदर्भ में देखा जाए तो 19 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहाँ पर लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने को लेकर स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कहाँ बनने वाला है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनेगा, ठीक है। देखा जाए तो लखनऊ का यह केंद्र देश भर में स्थापित होने वाले कुल 6 केंद्रों में से एक है। टोटल देखा जाए तो भारत भर में 6 राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनने वाले हैं और एक यहाँ पर यूपी में लखनऊ में बनेगा। साथ ही साथ देखा था लखनऊ के सरोजिनी नगर के जैती खेड़ा के NCDC को 2.5 एकड़ जमीन और 30 साल के लिए यहां पर लीज पर लिया गया है जहां पर इसे बनाया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पुलिस सुधार की कवायद को ध्यान में रखते हुए एक कह सकते हैं कि कवायद शुरू की गई है कि उसे कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस सुधार की व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया जाए, पुलिस व्यवस्था को कैसे यहाँ पर बेहतर बनाया जाए और इसके संदर्भ देखा जाए 21 अप्रैल 2022 को इसके संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश दिए गए। जैसे कि मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश ATS यानी कि आतंकवाद निरोधक जो दस्ते की दक्षता को बढ़ाने के लिए इसके अधिकारियों एवं जवानों को अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी अर्थात FBI एवं होमलैंड सिक्योरिटी जैसी एजेंसियों से प्रशिक्षण दिलवाने के संबंध में प्रस्ताव को तैयार करने का यहाँ पे निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कुछ अन्य निर्देश भी दिए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको जो मेन जो एस्पेक्ट यहाँ पर ध्यान में रखना है वो ये है कि उत्तर प्रदेश ATS यानी आतंकवाद निरोधक दस्ते को आपको अमेरिकन एजेंसी जैसे कि यहाँ पर संघीय जांच एजेंसी जिसको FBI के नाम से जानते हैं और होमलैंड सिक्योरिटी से यहाँ पर प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए जो अन्य यहाँ पर सुविधाएं दी जाएंगी या अन्य तरीके की सिफारिशें की गई हैं या सुविधाएं या कह सकते हैं कि ट्रेनिंग इन्हें दी जाएगी उसमें शामिल है CBI की तर्ज पर UP स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का गठन किया जाना, ठीक है। जैसे उत्तर केंद्र के स्तर पर CBI है वैसे ही यूपी में यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई जाएगी। इसी तरीके से ATS की स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम जिसे हम स्पॉट नई टीम के लिए अगले 100 दिनों में यहाँ पे जवानों का चयन एवं प्रशिक्षण किया जाएगा। 100 दिनों में अयोध्या में स्पेशल टास्क फोर्स की इकाई का भी यहाँ पे गठन किया जाएगा। पुलिस बलों में लैंगिक समानता संबंधित यहाँ पे भी कुछ निर्णय लिए गए हैं जैसे कि महिला कर्मियों की संख्या को दोगुना करना, धार्मिक स्थलों के पास पिंक बूथ का निर्माण करना, हर महिला बीट सिपाही को स्कूटी उपलब्ध कराना और महिला कमांडो टीम का यहाँ पे गठन करना, ये सारे काम यहाँ पर देखे जाए तो पुलिस सुधार के संदर्भ से यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है निर्णय। इसके बाद है उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंट पॉलिसी जो 2022 में यहाँ पे प्रस्तुत की गई। सरकार की सभी नीतियां
के साथ साथ यहाँ पे पॉलिसी और जो भी संशोधन और विधेयक ये भी आते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखा जाए तो 21 अप्रैल को यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव हथकरघा एवं कपड़ा के डॉक्टर नवीन सहगल की अध्यक्षता में टेक्सटाइल एंड गारमेंट पॉलिसी 2022 के प्रारूप को यहाँ पर अंतिम रूप यहाँ पर देने के लिए बैठक की गई। इस नीति का देखिए यहाँ पे जो उद्देश्य है वो उत्तर प्रदेश के ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने के साथ ही हथकरघा और टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करना। तो एक तरफ यहाँ पर आपको एक अंतरराष्ट्रीय मंच के तौर पे हब के रूप में, केंद्र के रूप में आपको विकसित करना है, दूसरी तरफ यहाँ पर किस तरीके से निवेशकों को आकर्षित करना है ताकि बड़े स्तर पर पूंजी का इस क्षेत्र में निवेश किया जा सके। इसके अंतर्गत उद्यमियों को 40% तक की पूंजी निवेश सब्सिडी के साथ ही विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रस्तावित नीति में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के निवेशकों को अतिरिक्त लाभ यहाँ पर दिया जाएगा, अर्थात कि हथकरघा क्षेत्र के संदर्भ में अगर पूर्वांचल और बुंदेलखंड में निवेश आते हैं तो वहां पर ज्यादा उनको फायदा मिलेगा। इसके साथ ही नई नीति में 100% स्टाम्प शुल्क व भूमि लागत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। राज्य में राज्य से निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात सब्सिडी, बिजली शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। निजी टेक्सटाइल पार्क विकसित करने वाले विकासकर्ताओं को 100% प्रतिपूर्ति भी यहां पर आपको दी जाएगी। कपड़ा और परिधान नीति 2017 के तहत हथकरघा और कपड़ा क्षेत्र में निवेश के लिए यहां पर देखे जाए तो 79 प्रस्ताव प्राप्त हुए और 53 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के लिए और 26 बड़े मेगा सुपर मेगा उद्योगों के लिए यहां पर सरकार को ये प्रस्ताव प्राप्त हुए। अगला यहां पर है ऑपरेशन कायाकल्प, जो कि 25 अप्रैल 2022 को उद्देश्य सरकार ने बताया है कि राज्य द्वारा संचालित स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के तहत पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धति के साथ साथ तकनीकी आधारित शिक्षा का प्रयोग किया जा रहा है। इसके तहत शिक्षा सुविधाओं में लगातार सुधार लाने के उद्देश्य ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूलों में बदला जाएगा और तकनीकी स्तर पर डिजिटल बोर्ड और इस तरह की चीजों को यहाँ पर एड किया जाएगा। इसके तहत यहाँ पर 30,000 माध्यमिक विद्यालय जो है वहां पर स्मार्ट कक्षाएं, खेल के मैदान, उचित शौचालय, पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, कला कक्षा और अन्य आधुनिक सुविधाओं से इन्हें सुसज्जित किया जाएगा। इसी संदर्भ देखा जाए तो सरकार के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकल्प को पूरा करने, सरकारी स्कूलों को सुविधाओं, बुनियादी ढांचे के मामले में निजी स्कूलों के बराबर करने के लिए इस योजना को तैयार किया गया है कि जो एक लगातार एक डिफरेंस रहता है निजी वर्सेस पब्लिक सेक्टर के, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनमें जो आप पिछड़ापन की स्थिति दिखाई देती है उनको तकनीकी स्तर पर उनको और भी सक्षम बनाने का काम ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प की जो शुरुआत हुई थी 2019 में की गई थी। तो यहाँ पर देखिए जो फैक्चुअल जो डेटा है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ऑपरेशन कायाकल्प हो गया, ऑपरेशन दस्तक हो गया, दस्तक अभियान हो गया, तो इनके बारे में यहाँ पर आपको हमने पढ़ लिया। इसके साथ साथ यहाँ पर योजना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो सरकार ने सड़क मार्ग परिवहन निकल्प के द्वारा भी एक योजना यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों देखिए यहाँ पे कायाकल्प ये योजना है, ठीक है, और यहाँ पे कायाकल्प यहाँ पर आपको देखेंगे तो ये आपको अभियान है, ठीक है। ऑपरेशन ये कायाकल्प है और वो काया यहाँ पर, तो इसको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही योजना अलग अलग है, वो अलग है और ये अलग है। अब इसमें देखिए कायाकल्प जो योजना है ये किस संदर्भ में लागू की गई है, तो हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क मार्ग परिवहन निगम के द्वारा कायाकल्प योजना के तहत सभी मंडल के लिए नोडल अधिकारी यहां पर तैनात किए हैं, जिसका उद्देश्य रोडवेज बस स्टेशन में यात्री सुविधाओं में सुधार करना है। तो लगातार देखा जाए उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को, क्योंकि देखिए संचार जो है या कहें हम परिवहन जो कह सकते हैं कि परिवहन प्रणाली है उसको किस तरीके से बेहतर बनाया गया, का इंटरकनेक्टिविटी यहाँ पर कैसी बेहतर बनाई जाए, इसके लिए यहाँ पे लगातार काम करना जरूरी है। प्रदेश के विकास के संदर्भ से अगर हम देखें तो एक पहलू ये जरूर रहता है कि कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, और कनेक्टिविटी यहाँ पर कई तरीके से हो सकती है। मल्टीपल कनेक्टिविटी अगर आपको है किसी क्षेत्र की तो उसके विकास होने के चांसेस ज्यादा बेहतर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस योजना के तहत यात्रियों को गर्मी से राहत देने के लिए प्रत्येक बस अड्डे पर स्वच्छ पेयजल, वाटर कूलर की यहाँ पर व्यवस्था करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। बस स्टेशनों पर साफ सफाई की व्यवस्था के अलावा महिला पुरुषों के शौचालयों की नियमित सफाई करना, साथ ही बस स्टेशनों को रीपेंट किया जाना, यात्रियों को समय सारणी, किराया तालिका के बारे में सूचित करने वाले नए संकेत लगाए जाना, और बस स्टेशनों पर यार्ड भवन कमरों की मरम्मत की जाएगी, यात्री शेड में शीटों की व्यवस्था के साथ गर्मी से राहत देने के लिए रोशनी, पंखेदार कूलर, समुचित व्यवस्था भी
की जाएगी। तो इस योजना के बारे में हमने देख लिया। अगला यहां पर है नीति आयोग की नवोन्मेषी कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला। ये 22-25 अप्रैल 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसे नीति को आयोजित किया गया था। और इस नवोन्मेषी कृषि पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यहां पर भाग लिया था। देखा जाए तो इस समय नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर रवि कुमार की अध्यक्षता में हुआ। राज्यों में प्राकृतिक खेती पर प्रथम तकनीकी सत्र में यहां पर मुख्यमंत्री ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यहां पर वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया था। नमामि गंगे और परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है, जिसमें 4,784 क्लस्टर के गठन के साथ 75,680 हेक्टेयर क्षेत्र को यहाँ पे कवर किया गया है और इससे 1.75 लाख किसान यहाँ पे लाभान्वित हुए। साथ ही देखा जाए तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 35 जिलों को भारत सरकार के द्वारा 82.83 करोड़ रुपए यहाँ पे स्वीकृत किए गए हैं। गाय आधारित प्राकृतिक खेती और नवीन कृषि पर आधारित राष्ट्रीय कार्यशाला के तहत यह योजना लगभग 38,670 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी। इस साल देखा जाए तो खरीफ सीजन से शुरू होकर यह 3 साल के लिए इस योजना को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पारंपरिक यहाँ पर रूप से विभिन्न रूपों में प्राकृतिक खेती का अभ्यास कर इसे और भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने देखें तो 7 जिलों के सभी 47 विकास खंडों में करीब 500 से 1,000 हेक्टेयर के क्लस्टर यहाँ पे स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। क्लस्टर का मतलब होता है छोटे छोटे समूहों का मिलाकर बना एक बड़ा समूह, ठीक है, छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर के बने समूह को हम यहाँ पे क्लस्टर कहते हैं। अगले 5 वर्षों में देखा जाए तो 175.46 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर 47,000 हेक्टेयर के क्षेत्र को यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है, जिससे करीब 1.17 लाख यहाँ पे किसान आपको लाभान्वित होंगे। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और 3 साल की अवधि के लिए यहाँ पे प्रदान किया जाएगा और 31,000 प्रति हेक्टेयर किसान को यहाँ पे प्रोत्साहन राशि भी इसमें प्रदान की जाएगी। तो ये योजना के संदर्भित यहाँ पे प्रमुख लाभ रहे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर इसी से रिलेटेड, क्योंकि कृषिगत संबंधी यहाँ पर रिलेट करता है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए है। आपको ये बताना है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना यहाँ पे कहाँ की गई थी, ठीक है। ये यहाँ पर आपके ऑप्शन है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आप सभी उनका आंसर कमेंट में एक ही कमेंट के अंतर्गत कर सकते हैं, जितने भी हैं आप एक कमेंट के अंतर्गत कर सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के सभी थानों में स्थापित किए जाएंगे साइबर यहाँ पर हेल्प डेस्क, जो कि 25 अप्रैल 2022 को देखा गया था। प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने साइबर अपराध की जांच के संदर्भ से एक बड़ी यहाँ पे कार्य योजना तैयार की है, जिसके संदर्भ में साइबर हेल्प डेस्क को स्थापित किया जाएगा। देखा जाए तो इसमें बताया गया कि लखनऊ में एक डिजिटल फोरेंसिक लैब और हर जोन स्तर पर एक यहाँ पर साइबर फोरेंसिक लैब इसके तहत स्थापित की जाएगी। साथ ही हर जिले में प्रमाणित अपराध रोकथाम विशेषज्ञ यानी कि CCP नियुक्त यहाँ पर किए जाएंगे और पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में 18 रेंज स्तरीय साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। वहीं पर प्रत्येक क्षेत्रीय साइबर अपराध थाने में महिला साइबर अपराध प्रकोष्ठ भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में लॉन्च होगा सामुदायिक रेडियो स्टेशन। देखा जाती है संस्कृति विभाग ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यहाँ पर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में जय घोष नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया। तो नाम ध्यान रखिएगा, सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम है यहाँ पर जय घोष। देखा जाए तो संस्कृति विभाग के द्वारा अमृत महोत्सव के अवसर पर राज्य के 75 जिलों के समृद्ध इतिहास को दर्शाने वाली 75 पुस्तकों के प्रकाशन के साथ देशभक्ति पर आधारित 75 लघु फिल्मों का निर्माण और प्रदर्शन भी यहाँ पर करेगा। इसके अतिरिक्त संस्कृत विभाग के द्वारा अपनी 6 महीने की कार्ययोजना के तहत हर जिले में एक जिला एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी आयोजित करने की योजना है। साथ ही सरकारी अभिलेखागार लखनऊ में स्वतंत्रता की गाथा पर आधारित एक गैलरी के निर्माण के साथ संत कबीर, संत रविदास और बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक त्रिधारा राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस तरीके से यहाँ पर ये काम इसके अंतर्गत किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, वाराणसी में बनेगा उत्तर प्रदेश का अपना पहला सिल्क एक्सचेंज। ध्यान रखिएगा, ये वाराणसी बनने जा रहा है सिल्क एक्सचेंज। उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि जल्द ही वाराणसी में राज्य का सिल्क एक्सचेंज यहाँ पे स्थापित होगा यहाँ पर, और जिसमें व्यापारियों साड़ी निर्माताओं को उचित मूल्य पर रेशम की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की उम्मीद है।
देखा जाए तो सिल्क एक्सचेंज क्षेत्र में रेशम की तस्करी रोकने के साथ ही रेशम व्यापारियों निर्माण इकाइयों के लिए उत्पादन लागत को ये कम करेगा, और साथ ही अगले 6 महीनों में राज्य सरकार के क्षेत्र के बुनकरों को सिल्क एक्सचेंज से यहां पर जोड़ने का भी काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के देखा जाए तो रेलर्स के द्वारा यहां पर सिल्क एक्सचेंज में बिक्री के लिए लाए गए सभी रेशम लॉट गुणवत्ता परीक्षण के बाद प्रत्येक रेशम लॉट का न्यूनतम मूल्य राज्य में रेशम के औसत मूल्य और विशेष लॉट की गुणवत्ता के आधार पर यहां पर तय किया जाए, अर्थात एक मानक सेट किया गया है किस तरीके से इनका मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद रेशम के लॉट की नीलामी करके एक्सचेंज के द्वारा रीलर्स को स्पॉट पेमेंट सुनिश्चित यहां पर किया जाएगा, तो यहां पर तुरंत ही वहां पर पेमेंट की सुविधा यहां पर की जाएगी, किस तरीके उसका नीलामी करना, नीलामी कर उनकी पेमेंट की सुविधा। यह भी बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत सिल्क एक्सचेंज के डिजिटाइजेशन पर भी काम करेगी, जिसके माध्यम से बुनकर सूत बनाने वाली इकाइयां और सिल्क एक्सचेंज को एक ही प्लेटफॉर्म पर यहां पर लेकर आएगा, अर्थात कि जो भी बाजार से जुड़े घटक हैं, ठीक है, इस बाजार से जुड़े घटक हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना ताकि वो आपस में जुड़ सके, अपने डिमांड को वहां पर लोगों को पता चल सके किसानों को, और किसानों को उस हिसाब से अपना बाजार भी वहां पर मिल सके, ताकि बुनकरों के लिए रेशम उत्पादन की बिक्री और प्रदर्शन के लिए एकल मंच की यहां पर सुनिश्चित किया जा सके। एक और यहां पे फैक्ट में आपको जाते जाते आपको दे जाता हूं, ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, दो यहां पे सूचियां दी गई हैं, सूची वन और सूची टू, यहां पर आपको मिलान करना है और उसके कूट का यहां पे चयन करना है। ऑप्शन में देखिए यहां पर आपको बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, भारत खंड संगीत संस्थान, निराला आर्ट गैलरी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां पर नाम दिए गए हैं रायबरेली, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आपको ये बताना है कि कौन से यहाँ पर सही सुमेलित है और उसके हिसाब से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। सभी के आंसर जो होते हैं वो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर देने हैं, और इस तरीके से यहाँ पर आज का हमारा उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के करंट अफेयर्स का ये पहला वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आप सभी इसका एक बार देखिए रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफी सारे फैक्ट हैं, योजनाएं हैं, नीतियां हैं, पॉलिसी हैं, हर तरीके की चीजें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यहाँ पर इस वीडियो में है, तो उनको अच्छे से स्टडी करना है, रिविजन करना है, और हाँ जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनके कमेंट बॉक्स में आंसर भी देने। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीक यहाँ पर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को लेकर फिर से मिलेंगे, कुछ और भी न्यूज को यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से पढ़ेंगे, तब तक लिए थैंक यू सो मच एंड गुड लक। तब तक इसका रिवीजन जरूर आप एक बार से ज्यादा यहाँ पर कर लीजिएगा।